Brought to you by diagnostics. की आती है तो भरोसा करता हूँ जो गलत काम कर रहा है उसके साथ और जम करके होना चाहिए और अगर उस पुलिस विभाग को फायर करेंगे तो पुलिस विभाग बिल्कुल मारेगी उनको छोड़ नहीं सकते. हम तो ये कहेंगे कि अगर अपराधी है वो तो कोई भी हो अपराधी कोई भी हो अपराधी उसको जाति धर्म से जज नहीं करना चाहिए हमारा ये मानना है आने वाले समय के लिए एक जो है सबक होना चाहिए लोगों को कि अगर हम सरकारी कर्मचारी के ऊपर ऐसा कृत्य करेंगे काम करेंगे तो पुलिस हमको जो है छोड़ेगी नहीं जो है बीती रात गाजीपुर पुलिस नोएडा एस टी एफ आर पी एफ संयुक्त कार्रवाई में बिहार के शराब तस्कर और वांछित अपराधी जाहिद का इनकाउंटर हुआ है गाज़ीपुर के दिलदार नगर थाना क्षेत्र में बताया जाता है कि जो जाहिद हैं वो बिहार से उत्तर प्रदेश से बिहार शराब की तस्करी में लिप्त थे वांछित चल रहे थे और पिछले 19 पब्लिक 20 अगस्त की रात में मुग़ल सराय के दो आरपीएफ के जवान की हत्या में भी उनका हाथ था हम इस वक्त आरपीएफ जवान जावेद के घर पे हैं जो गाज़ीपुर के जमानिया थाना के देवैथा गांव में के रहने वाले थे जावेद हम उनके घर पर हैं मेरे साथ उनके पिताजी हैं पिताजी मोहम्मद फिरोज हैं मैं इनसे बात करूंगा जब जावेद की जो सूचना आई थी आपको जो ट्रेन में उनका तो उस दिन आप थे घर पे जी नहीं कहाँ थे सहारनपुर में थे अच्छा तो कैसे सूचना मिली बस घर के लड़के जो है मोबाइल से फ़ोन किए तो फिर आप फिर कब आए ओ उस हम आए हैं दूसरे दिन जब पोस्ट मास्टर रिपोर्ट मिल गया और लाश को दे दिया वहाँ से उस दिन हम आए हैं यहाँ तो हम वहाँ से चले थे ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे ट्रेन मिली थी हमको और बारह बजे हम जो है बनारस आए थे और वहाँ जो है आरपीएफ स्टाफ जो है ने कहा कि एक घटना घटी है और हमारे लड़के ने फोन करके बताया था तो हम वहाँ से चले थे जावेद के साथ एक प्रमोद सिंह भी थे जी प्रमोद सिंह तो इन दोनों लोगों के शव आपने देखे थे जी नहीं मिट्टी से भेंट नहीं हुई मिट्टी से यहाँ घर पे आकर के भेंट हुई मिट्टी से घर जिस तरह से जो शव देखा आपने और उसके बाद से कार्रवाइयाँ हो रही हैं और लगभग दर्जन भर से ज़्यादा लोगों के खिलाफ पुलिस ने अज्ञात में शायद एफ नोट की थी तो अब तो एफ के वक्त तो हमें मौजूद नहीं था जी और जिस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है सात लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं जिसमें कि बीती रात एक एनकाउंटर हुआ है एक अपराधी बताया जा रहा है जाहिद इसको किस तरह से देख रहे हैं अब मोबाइल पे जो आया कि इनकाउंटर हुआ है इसमें लुप्त था वो इसमें लग, शामिल था तो हमने सुन लिया मोबाइल की बात अब हमसे ना पुलिस महाकमा से मुलाकात है ना इनकाउंटर करने वाले से न कोई अधिकारी से हाँ ये है कि भाई जो है ये ऐसी घटना हुई तो इसके ज़्यादा सात लोग रहे होंगे तो कम से कम ज़्यादा लोग तो पकड़ ही जाएंगे इसमें जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की पुलिस के ऊपर ये फायर करके भाग रहा था और जिस तरह से पुलिस ने इनकाउंटर में ये मारा गया इस कार्रवाई को बतौर पिता जावेद के पिता के तौर पर किस तरह से देखते हैं भाई पुलिस की जिम्मेदारी में ये मामला चल रहा है उन्हीं की अधिकार में मामला है और उसकी उसको पता लगा रहे हैं वो अब पता लग रहा है तो आ, उनको पकड़ रहे हैं सही है अब पुलिस जब पता लगा रही है और पता लगा के पकड़ रही है तो सही है मतलब ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ क्या और कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए जो गलत काम कर रहा है उसके साथ और जम करके होना चाहिए कार्रवाई जो भी हो उसके साथ जो गलत है उसके साथ होना चाहिए बेटे आपके एक जिम्मेदार पद पे थे रेलवे की पुलिस फोर्स में थे और जिस तरह से वो ट्रेन में उनके साथ जो भी हुआ उस वक्त को कोई चश्मदीद तो कोई मिला नहीं सब अज्ञात थे लेकिन जिस तरह से उनके शव मिले उसको देखने के बाद ये लगा कि बहुत ही निशंस तरीके से ये कार्रवाई हुई थी तो ऐसे में जो पुलिस काम कर रही है इसमें और लोग जो वांछित हैं उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए उनके साथ भी जो है उसको पुलिस पकड़े और सजा दिलाए और अगर उस पुलिस विभाग पर फायर करेंगे तो पुलिस भी, विभाग बिल्कुल मारेगी उनको छोड़ नहीं सकते जिस तरह से ये तस्करी हो रही है शराब की तस्करी जो ट्रेन में हो रही है जो बेटे आपके बताया जाता है कि उस तस्करी को वो रोकने में उनकी जान चली गई तो उस शहादत पे भी कुछ कहना चाहेंगे अब ये तो हम नहीं बता सके कि रोकने में गई कि बातचीत कैसे हुई कैसे पकड़े लोग तो देखा गई नहीं गया अब लोगों के कहने के हिसाब से इसकी रिपोर्ट भी है पुलिस की रिपोर्ट है और मीडिया के भी रिपोर्ट है कि मुग़ल से ट्रेन चली तो यार्ड के पार करने के बाद वहाँ जो है चैन पुलिंग हुई कई कई जगह चैन पुलिंग हुई है और रेलवे विभाग के जो है गार्ड और जो है ये ड्राइवर तमाम लोग जो है बतलाए हैं कि इतना नंबर पोल पर जो है चैन पुलिंग हुई तो ये सब हुई होगी और वो लोग बतलाए और ऐसा ऐसा मामला हुआ जिन हालात में शव मिला क्या लगता है कि उनको क्या फेंक दिया गया था गाड़ी रोक के या चलती गाड़ी से नहीं नहीं चलती गाड़ी से नहीं वो तो रोक करके उतारे थे लोग चैन पुलिंग हुई है वहाँ पर वो बता रहे हैं मीडिया के लोग या मोबाइल पर आ रहा है कि इतना नंबर पोल खम्बा नंबर इतना पे जो है ये किया गया उसी उसी में उनको लाश मिली है आ, कि इतना नंबर खम्मा जो है यहाँ चैन पुलिंग हुई यहाँ चैन पुलिंग हुई उसी हिसाब से वो मिला है चैन पुलिंग के बाद उसको उतार लिए मतलब आपको लगता है कि मार के उतारा मार के उतारे हैं मतलब उनकी हत्या ट्रेन में कर दी गई कर दी गई जी बिल्कुल सही तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो सही है बिल्कुल सही है अगर ऐसे लोग हैं इसमें तो सही है देखिए मेरे साथ जो जावेद थे जो कांस्टेबल थे उनके पिताजी हैं उन्होंने कहा कि जो कार्रवाई अगर वो लोग वाकई दोषी हैं तो उनके खिलाफ अगर ऐसी सख्ती हो रही है तो ये सही है लेकिन कहीं ना कहीं एक पिता का दिल है कि वो ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई निर्दोष है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो जी अब हम तो साबित नहीं कर सकते कौन निर्दोष है हम तो देखे भी नहीं हैं तो हम किसको कहेंगे कि दोषी है किसको निर्दोष कहेंगे पुलिस विभाग का काम है दोषी और निर्दोषी को, को निकालना पुलिस का काम है इंसाफ मिलना चाहिए जावेद इंसाफ मिलना चाहिए बिल्कुल मिलना चाहिए दोनों लोग को इंसाफ मिलना चाहिए प्रमोद को और जावेद? जावेद, को. जावेद को दोनों को इंसाफ मिलना चाहिए सर आपका नाम अब्दुल कलाम का। अब्दुल कलाम खान आप जावेद के क्या लगते अब्दुल्क हैं चाचा लगता हैं देखिए हमारे साथ जो आरपीएफ जवान थे जावेद उनके चाचा हैं क्या कहना चाहेंगे जो कार्रवाई पुलिस ने की है हमारे समझ से अगर सही अपराधी को पकड़ा गया है और जो है पुलिस की कार्रवाई में जो है मारा गया है अगर सही है तो बिल्कुल सही है और अपराधियों के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि दोबारा जो है दूसरे के साथ कोई दुर्घटना न हो अभी आप बातचीत में एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता लेकिन आजकल एनकाउंटर पे धर्म देख के जाति देख के सवाल उठ हम तो ये कहेंगे कि अगर अपराधी है तो कोई भी हो अपराधी कोई भी हो अपराधी उसको जाति धर्म से जज नहीं करना चाहिए हमारा ये मानना है अगर अपराधी है गलत काम कर रहा है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए तो जो कल रात में जो जाहिद है जिसका इनकाउंटर पुलिस ने किया उसके पहले भी आधा दर्जन लोगों के पुलिस ने पकड़ा है तो क्या लगता है कि जो शराब तस्करी हो रही है इसी में जावेद और प्रमोद की हत्या हुई तो भाई पुलिस द्वारा लोगों द्वारा मीडिया द्वारा यही जो है और बताया जा रहा है कि शराब तस्करी के कारण ही हुई है हम लोगों को तो दूसरे दिन जो है तीन बजे के बाद खबर मिली थी तो हम लोग गए थे देखने के लिए जो है आपने अभी एक बात कही अभी बातचीत में कि मुसलमान जो होता है वो शराब आपके यहाँ जी जी बिल्कुल सही बात हमने कहा कि अगर वाकई में वो मुसलमान है तो शराब की तस्करी नहीं करेगा हमारे समझ से भाई क्योंकि हमारे यहाँ वो चीज़ जायज़ नहीं है ना जायज़ है शराब तो उसकी तस्करी कैसे कर सकता है और अगर कर रहा है तो गलत कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है तो शराब की अगर तस्करी कर रहा है और आरोप है कि वो तस्कर था और दो आरपीएफ सिपाहियों की हत्या भी हुई आप ही के भतीजे की हत्या हुई उसके साथी की हत्या हुई तो हत्या तो सच है हत्या हुई और निशंस तरीके से हुई तो इसको किस तरह से देखते हैं कि इसमें आ रहा है कि शराब तस्करों का हाथ देखिए ये बात सत्य है कि हमारे प्रदेश से जो है जो बॉर्डर वाला एरिया है शराब तस्करी हो रही है और बहुत ज़्यादा जो है मात्रा में हो रही है आए दिन देख रहे हैं आप जो है तो ऐसा कार्रवाई होना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों को जो है भाई कोई भी हो अपराधी किस्म के लोग हैं तो उनको पकड़ा जाना चाहिए जैसे पुलिस कार्रवाई कर रही है और अगर कोई भी शराब तस्कर फायर करता है किसी के ऊपर तो वो आत्मरक्षा के अनुसार अपने हिसाब से तो वो कार्रवाई करेगा ही करेगा आपको क्या लगता है कि इस तरह की कार्रवाई से जावेद या प्रमोद जैसे जो लोग हैं उनको इंसाफ मिल रहा है देखिए अभी इंसाफ मिल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा लेकिन आने वाले समय के लिए एक जो है सबक होना चाहिए लोगों को कि अगर हम सरकारी कर्मचारी के ऊपर ऐसा कृत्य करेंगे काम करेंगे तो पुलिस हमको जो है छोड़ेगी नहीं जो है सख्ती होनी चाहिए सख्ती होनी चाहिए आप लोगों का जो ये इलाका है इसको बोलते हैं कि ये बिहार से सटा हुआ है इसी के बाद से बिहार शुरू हो जाता है और यहाँ पे आप के यहाँ गाँव में शराब की दुकानें जो अगल बगल में खुली हैं गाँव में लोग बता रहे थे कि बिहार से लोग आते हैं पीने क्या ये सच बात बिल्कुल सत्य बात है और बड़ी मात्रा में लोग आ रहे हैं शराब पीने के लिए और चूँकि बॉर्डर एरिया है कहीं से भी जा सकते हैं नदी है तो हम तो हम लोग तो वहाँ जाते नहीं हैं लेकिन ये आए दिन जो है वहाँ जो है घटना देखते हैं कि मारा मारी कभी हो जाता है कभी कुछ हो जाता है सुनते रहते हैं जो है कि ऐसी घटनाएं होती रहती है मतलब शराब तस्करी आज का सच है जी 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 जी, जी बिल्कुल सत्य है ये बात देखिए हम गाज़ीपुर में देवैथा गांव में है और हम इस वक्त जो आरपीएफ के जो जवान थे जावेद खान उनके घर थे उनके पिताजी के साथ थे मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं यहाँ गांव के लोग बैठे हुए हैं और मैं एक बुज़ुर्ग और हैं मैं उनसे बात करना चाहूँगा मुझे मैं जब बात कर रहा था तो उनके कुछ सवाल थे बड़े इंटरेस्टिंग थे मैं सोचा कि आपसे आप भी बात करूँ तो अच्छा तो देखिए आपका क्या नाम दिया हमारा सरदार मोहम्मद नाम है अच्छा आप जावेद के हाँ हमारे छोटे चचा के लड़के अच्छा चा, चा, चाचे चा, जिस तरह की कार्रवाई हो रही है पुलिस कार्रवाई कर रही है उससे संतुष्ट है कार्रवाई जो हो रही हो रही है जो सही कार्रवाई हो जो सही है उसको सही सजा दिया जाए सही कार्रवाई हो और जो मुलजिम हो उसको सजा दिया जाए हमारे आजकल एक चीज हो रही है कि इल्ज़ाम लग रहे हैं कि फेक इनकाउंटर हो रहा है लेकिन अगर इस तरह के सही में अगर जो लोग हैं इस तरह का काम कर रहे हैं उनके साथ इनकाउंटर हो रहा है या पुलिस मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं इसको सही मानते हैं वो अब वो तो पुलिस का पुलिस का काम है सही या गलत वो क्या करे वो पुलिस जाने और हम लोग क्या जानते हैं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्या नाम है सर आपका तो? मेरा नाम मोहम्मद आमिर खान है आमिर जिस तरह से पुलिस इनकाउंटर हुआ कार्रवाई हुई इसको किस तरह से देखते हैं देखिए अगर वो ओरिजिनल दोषी है तो सही हुआ उसके साथ जो भी ओरिजिनल दोषी है उसके साथ कार्रवाई होना चाहिए देख लें हम लोग बॉर्डर पर हैं और बॉर्डर पर इतना हालात ख़राब है इस समय तरह तस्करों का ये रोड पर खुल गया है उस साइड में दुकान कम से कम दस ट्रक इधर और दस ट्रक इधर बहुत बुरा हाल है कैसे आदमी मोटरसाइकिल से जाए वहाँ मतलब यहाँ पे बॉर्डर एरिया है आप लोगों का बिहार का बॉर्डर है जी हाँ कौन सा ज़िला लगता है ये, ये कैमूर लगता है देखिए ये गाज़ीपुर का देवीथा गांव है और यहाँ से सटे ही कैमूर का इलाका स्टार्ट हो जाता है भभुआ और भभुआ डिस्ट्रिक्ट बिहार में पड़ता है आप बता रहे हैं कि चूंकि बिहार में शराब बंदी है और यूपी के बॉर्डर्स पे जो शराब की दुकानें खुली हैं तो लोग बिहार से आते हैं पीने जी ऐसा? बहुत बहुत तादाद में आ रहे हैं और रोज़ाना मारपीट होता है वहाँ और इसकी तस्करी भी होती है तस्करी तो हम लोगों को पता नहीं पीने वाले आते हैं पीने वाले हाँ अभी मोटरसाइकिल लेकर आप चले जाएंगे इतना डर लगा कि आप जा नहीं सकेंगे उस रास्ते में नहीं। नहीं। कौन ट्रक वाला कौन धक्का मार दे कहाँ लड़ाई हो जाए जिस तरह से ये इनकाउंटर हुआ है जाहिद का इसको किस तरह से देखा नहीं जाहिद जो कल एक बीती रहा हूँ उसका इंकाउंटर हुआ है हाँ अगर वो मुलजिम है तो सही हुआ उसके साथ जिस तरह से कार्रवाई पुलिस कर रही है उसको किस नजरिए से देख रहे हैं अगर दोषियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है इसमें धर्म मज़हब जाति देखना चाहिए नहीं नहीं धर्म मजहब जाति तो नहीं देखना चाहिए अगर वो रियलिटी में अगर वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए और जो कार्रवाई हो रहा है उन्हीं के खिलाफ नहीं हो उनसे उनको पकड़ के उनसे पूछताछ करना चाहिए कि इसके पीछे मेन लोग कौन हैं क्योंकि इतना बड़ा अगर आप देखेंगे जो हमारे जावेद भाई थे हम लोग को बहुत दुख है वो हमारे रिलेटिव भी थे हमारे बड़े भाई भी थे तो उन आपको भी ऐसा लगता है कि एक चलती ट्रेन में दो जवान के साथ दस पंद्रह आदमी नहीं कर सकते और इसके पीछे बड़े बड़े लोग भी इन्वॉल्व होंगे ये तो पुलिस का काम है उनको अपना काम सही से करना चाहिए और ये जो दोषी का जो इनकाउंटर हो रहा है अगर वो जिंदा भी पकड़े जा सके अभी वो तो चलो फायरिंग कर रहे हैं मतलब क्रॉस फायरिंग कर रहे हैं तो उसमें तो भाई पुलिस अपना प्रोटेक्शन डिफेंस तो करेगी लेकिन अगर इनको जो जो मुजरिए अभी छः सात पकड़े गए हैं तो अगर उनसे अगर सही से पूछताछ की जाए और पुलिस पुलिस मीडिया अपना ईमानदारी से काम करे और सही से उसको ये करे तो जो इसके पीछे के लोग हैं ना उनको पकड़ना मेन है शराब तस्करों के पूरे नेक्सेस को हाँ पूरे नेक्सेस को पकड़ना जरूरी है लेकिन अगर अगर नहीं भी पकड़ सकते तो जो इस लोकल एरिया में जो ये बिहार के बॉर्डर पे कर रहे हैं इसमें थोड़ा पुलिस की एक्टिविटी को और बढ़ाना चाहिए क्योंकि जो हमारे आरपीएफ जवान हो चाहे वो कोई भी जवान हो, हो सकता है आज उनके साथ हुआ है कल हो सकता है आप मीडिया वाले हों आप भी कहीं कवर कर रहे हो आपके साथ भी हो सकता है तो इसलिए थोड़ा इसमें पुलिस को और ज़्यादा इंटरेस्ट और जो कार्रवाई है उसको और तेज़ करनी चाहिए और इसमें बड़े लेवल पे भी जो अपना एसपी साहब डीएम साहब है उनको भी इसमें इन्वॉल्वमेंट लेना चाहिए कि छोटा मोटा मैटर है नहीं है आपके चाचा अभी एक बात कह रहे थे अच्छी लगी कि जाति अरे अपराधी का कोई धर्म मज़हब नहीं होता आप इससे सहमत जी जी बिल्कुल सहमत है अपराधी का कोई जाति धर्म मजहब कुछ नहीं है वो बस पैसा के लिए कर रहा है चाहे वो किसी कास्ट का हो हम लोग भी डिफेंस फोर्स से मतलब ताल्लुक रखते हैं तो हम लोग को भी यही सिखाया जाता है किसी का कोई मज़हब नहीं है अच्छा आप सेना में हैं जी जी हम सेना में हैं जी तो आपको क्या आप बात करें तो पूरी करें क्या सिखाया जाता है हमको यही सिखाया जाता है कि भाई कोई जाति धर्म नहीं है अगर कोई अगर मुजरिम है तो अपना पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पर्सनल फ़ायदे के लिए आगे बढ़ने के लिए इसके लिए वो अपना कर रहा है पर्सनल अपना पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कर रहा है उसमें कोई रिलीजन कास्ट को आप करोगे ये तो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड बना लिया गया है कि कहीं भी वोट बैंक है ये है तो उसके लिए ये कास्ट है कि ये ब्राह्मण है ये हिंदू हैं मुस्लिम हैं पठान है तो शेड्यूल कास्ट के हैं तो ये सब चीज़ें से हट के जो कार्रवाई है मतलब एक ऐसा किया जाए कि जिससे जो मुजरिम है वो पकड़ा जाए और जो हमारे भाई हैं जावेद भाई हैं वो हमारे रिश्तेदार भी हैं उनको और उनके परिवार वालों को भाई जो, जो भी इंसाफ मिले देखिए गाजीपुर के देवईथा गाँव में हैं गाजीपुर पुलिस ने बीती रात इनकाउंटर किया है शराब तस्कर था जाहिद उसको इनकाउंटर में ढेर किया है पुलिस पे क्रॉस फायरिंग करके वो भाग रहा था और उसका इनकाउंटर हुआ है आज हम इस एनकाउंटर के बाद जावेद खान के घर आए थे जो आरपीएफ के सिपाही थे उनके साथ प्रमोद सिंह जो आरा भोजपुर बिहार के रहने वाले थे दो लोगों की हत्या हुई थी और इन्हीं लोगों जो जाहिद मारे गए इन्हीं लोगों के ऊपर आरोप था जावेद के परिवार वाले जो उनके पिताजी हैं उनके चाचा हैं उनके भाई हैं उनके पड़ोसी हैं रिश्तेदार हैं ये लोग सब लोगों का कहना है कि जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल में एक चीज़ है कि निर्दोष को सजा ना मिले विनय कुमार सिंह गाज़ीपुर से यूपी तक के लिए